पूर्व मंत्री ने किया डोर टू डोर कैंपेन। आज मिलक में बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर ने मिलक में डोर टू डोर अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 20 लोग ही अपने साथ रखे। इस अवसर पर उनके साथ बीएसपी के नगर अध्यक्ष रईस मियां व पूर्व अध्यक्ष प्रधान संघ नवनीत यदुवंशी एवं अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी साथ थे। हिंदुस्तान न्यूज 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की रिपोर्ट। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सागर है। विधानसभा सीट से मैं 38 विधानसभा मिलक से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। विधायक जीतने के बाद में क्या विकास कार्य करेंगे, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, पहली प्राथमिकता विकास की होगी। जो क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत कराना है, या जहाँ सड़कें नहीं हैं उन्हें बनवाना और चहुमुखी विकास कराना ही प्राथमिकता रहेगी। और दूसरे स्थान पर जो बेरोजगारी है हमारे विधानसभा में, तो पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिलाने की भी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि मिलक में सबसे बड़ी एक समस्या है जो कि ओवर ब्रिज को लेकर एक बात समाचार प्रकाशित भी किया गया है, इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में हमारी एक हमने खुद ही ये सोचा था कि चुनाव के बाद अपने जो हमारे सांसद हैं, संसदीय दल के नेता हैं, उनके माध्यम से रेल मंत्री से मुलाकात करके इसका शीघ्र शीघ्र निस्तारण कराने की जो हमारी प्लानिंग है। ये समस्या बहुत गंभीर है और जनता बहुत परेशान रहती है, इसके लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे और जल्दी ही समस्या का समाधान कराएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। लोगों को शिकायतें भी काफ़ी हैं आपसे, जैसे कि नीचे भी थोड़ा सा विरोध देखने को मिला, इसके बारे में साहब प्रकाश डालिए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक विरोध किया है। जो पूर्व में यहाँ विधायक रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रहे हों चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हों, उनसे शिकायत है और वो ये सोचते हैं कि कहीं ये भी उन दोनों की तरह ना निकले कि वादा करने के बाद वोट लेने के बाद जनता के बीच जैसे वो नहीं आए, हो सकता ये भी नहीं आए, तो इस तरह की शिकायतें लोग थोड़ा जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए इस तरह की चर्चा करते हैं, वरना हमारी कोई शिकायत क्षेत्र में नहीं है। अब जनता से साहब क्या कहना है आपका, आने वाले चुनाव के बारे में क्या अपील है? मेरी जनता से ये अपील है कि जनता यहाँ की सीट जितवाए। जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनेगी तो सन 2007 से 12 तक जो जनकल्याणकारी योजनाएं चली थी वो दोबारा से लागू होंगी और वो योजनाएं ऐसी थी कि वो गरीबों के विकास की योजनाएं थी, चाहे महामाया पेंशन हो, चाहे अम्बेडकर ग्राम विकास हो, चाहे मानवर कांशीराम योजना हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाएं हो, वो योजनाएं सपा सरकार आने पर, भाजपा सरकार आने पर सब बंद कर दी गई और जनता में इस समय त्राही त्राही है और जनता चाहती है कि बीएसपी की सरकार पुनः इस प्रदेश में आए, तो उन योजनाओं को सबसे पहले लागू किया जाएगा और ज़्यादा रोजगार की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा।